शरीरं गृहं पूजाति विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शंभो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो। सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयांतर्गते प्राग विद्या वारिणी षाड्मासिक पाठ्यक्रम कार्यांतर्गते अद्य अहम् स्वकीयं व्याख्यानं भवत्या समक्षं प्रस्तुत्यर्थम् उपस्थितोऽस्मि। सर्वप्रथम डॉक्टर वाई एस शास्त्री महोदयेन कृते अहं धन्यवादं आभारं च ज्ञापयामि यत् सः अस्मिन् कार्यक्रमे मम व्याख्यानं प्रस्तोतुं अवसरं प्रदत्तः। धन्यवाद महोदयः। अहं स्क्रीन शेयर कर्तुं अनुमतिं इच्छामि। अस्ति अस्ति क्रियताम् अस्ति शक्यते। दृश्यते किं मम स्क्रीन दृश्यते न वा? नास्ति नास्ति शेयर कुर्वन्तु तदा हा इदानीम् आगमिष्यति। हा अद्य मम व्याख्यानस्य विषयः अस्ति साहित्ये उपमा कालिदासस्य इत्यादीनां प्रसिद्धोक्तीनां समीक्षणविधिः। अस्माकं समक्षे बहवः छात्राः शोधछात्राः सन्ति। एतदर्थम् अहं द्विभाषामाध्यमेन स्वव्याख्यानं प्रस्तौमि, हिन्दीमाध्यमेन संस्कृते च। उभयोपि माध्यमेन अहं स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तौमि। स्लाइडं चलति न वा? एवम् एवं चलति। साहित्यशब्दस्य अर्थनिरूपणम् अस्ति किल इदानीं प्रस्तौति। सर्वप्रथम् अस्मिन् वाक्ये साहित्ये उपमा कालिदासस्य इत्यादीनां प्रसिद्धोक्तीनां समीक्षणविधिः। अस्मिन् वाक्ये प्रथमशब्दः यत् प्रयुज्यते तदर्थे तदस्ति साहित्ये। अतः सर्वप्रथम साहित्यशब्दस्य अर्थनिरूपणम् आवश्यकम् अस्ति। वयं सर्वसमीक्षणकार्यं साहित्ये कुर्वन्ति, अत एव साहित्यशब्दस्य अर्थनिरूपणम् आवश्यकम्। साहित्यस्य भावः साहित्यम् इति व्युत्पत्त्यानुसारेण साहित्यशब्दस्य अर्थो अस्ति मेलनम्। सहित धन श्यय प्रत्यय कृते साहित्यशब्दः निष्पद्यन्ते। शब्दकल्पद्रुमग्रन्थानुसारेण मनुष्यकृतश्लोकमयग्रन्थविशेषः। साहित्य शब्द के विषय में शब्द कल्प ध्रुव में आता है मनुष्य कृत श्लोकमय ग्रंथ विशेष साहित्य, यानी मनुष्य के द्वारा जो श्लोकमय ग्रंथ निर्मित किया गया है वही साहित्य शब्द से अभिप्रेत है। और उसका वहां पर उन्होंने उदाहरण भी दिया है, सतु भट्टी रघु कुमार संभव माघ भारवी मेघदूत विदग्ध मुख मंडन शांति शतक प्रभृतयः। यानी
जो भी ग्रंथ हमारे साहित्य शास्त्र में लिखे गए हैं वह सभी मनुष्यकृत जो भी हैं, तो वो श्लोकमय ग्रंथ विशेष साहित्य शब्द से अभिप्रेत है। और यहाँ साहित्यस्य भावः साहित्यम् ऐसा अर्थ निरूपण किया गया है। अग्रिम स्लाइडे अहम साहित्यस्य स्वरूप विषये किंचित् वक्तुम् इच्छामि यत् कोऽपि भाषायां साहित्यस्य विकासः तयाः भाषायाः परिनिष्ठावस्थां सूचयन्ते। किसी भी भाषा में यदि साहित्य का निर्माण हो रहा है, यदि साहित्य का विकास हो रहा है, तो वह उस भाषा की परिनिष्ठित अवस्था का सूचक होता है। और यदि इस दृष्टि से देखें तो संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो अत्यधिक परिनिष्ठित अवस्था को प्राप्त है, क्योंकि इसका जो साहित्य है वो यदि हम वैदिक साहित्य से आरंभ करें और आधुनिक रचनाओं तक आए तो लगभग 5000 से भी अधिक वर्षों का यह साहित्य इसमें समाहित है। इसलिए संस्कृत भाषाया साहित्यम संसारस्य अन्य भाषाया साहित्यस्य अपेक्षा अति विस्तृतम अस्ति। वैदिक साहित्यात् समारभ्य आधुनिक रचना पर्यन्तम् अनुमानतः 5000 वर्षाणां साहित्यम अत्र समाहितम् अस्ति। अतः इस साहित्य की समीक्षा यदि हमें करनी है तो उस दृष्टि से हमें अत्यधिक सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। अब यदि संस्कृत साहित्य के इस 5000 वर्षों के इस संकलन की ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो हमें मूल रूप से साहित्य के, संस्कृत साहित्य के प्रधान दो विभाग मिलते हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम वेद संहिताओं से आरंभ करते हैं और अनुक्रमणी साहित्य पर यह एक लंबी परंपरा है जिसमें से वेद संहिताओं को यदि हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त और ऋषियों द्वारा दृष्ट माने तो वह मनुष्यकृत न होने के कारण उनको हम एक विशिष्ट संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य है, उपनिषद साहित्य है, वेदांग है, उपवेद है, अनुक्रमणी साहित्य है, और उस यह जो पूरा क्रम है यह वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है जिसको हम साहित्य शब्द से अभिप्रेत करते हैं। इसके बाद जो लौकिक साहित्य है उसमें हमारे पास समीक्षा के लिए अत्यधिक विशाल अध्ययन क्षेत्र उपलब्ध है और इस दृष्टि से आज जो हम चर्चा करेंगे वह लौकिक साहित्य के ही विषय में हम समीक्षा की चर्चा करेंगे, प्रसिद्ध उक्तियों की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम लौकिक साहित्य की यदि बात करें तो उसमें हम आदि काव्य रामायण को देखते हैं और इसके साथ साथ इतिहास काव्य के रूप में महाभारत और 18 पुराण, ये हमारा लौकिक साहित्य का आरंभिक क्रम है। और आदि कवि वाल्मीकि कृत जो चतुस्सहस्री संहिता है ये रामायण कहलाती है। और इसके विषय में एक प्रसिद्ध उक्ति है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक पर्वत और नदियां इस पृथ्वी पर विराजित हैं, जब तक यह सब कुछ विद्यमान है, यह सृष्टि विद्यमान है, तब तक रामायण की कथा लोकों में प्रचलित होती रहेगी। यह रामायण के इतिहास को और उसके महत्व को प्रदर्शित करती हुई प्रसिद्ध उक्ति है और हम इसका साक्षात प्रमाण आज भी देखते हैं। जहां जहाँ हमें आज भी विश्व के कोने कोने में अलग अलग अत्र लेखनम मास्तु कश्चित् लिखति तथा मास्तु। आम आम धन्यवाद महोदय। तो रामायण कथा अद्यापि समग्र विश्वे प्रचलितम अस्ति, विभिन्न कथा माध्यमेन किंचित् कथा परिवर्तन माध्यमेन अपि रामायण कथा सर्वे लोकेषु सर्वत्र विश्वस्य बहवः देशे बहूनि देशानि तत्र रामायण कथा प्रचलितम् अस्ति। अस्मिन् रामायण ग्रन्थे वयं जानीमः यत् सप्त काण्डानि सन्ति, बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड। अपरञ्च महाभारत विषये यदि किञ्चित् वक्तुमिच्छामि तर्हि
धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भारतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् इदमपि एकं प्रसिद्ध उक्तिः महाभारत विषये प्रचलितम् अस्ति। अस्मिन् महाभारत ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। तत्र आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सौतिक स्त्री शांति अनुशासन आश्वमेधि आश्रमवासिक मौसल महाप्रस्थानिक स्वर्गारोहणम् इत्यादयः अष्टादश पर्वाणि तत्र सन्ति। और महाभारत के विषय में यह जो उक्ति है वो कहते हैं कि यद इहास्ति तदन्यत्र कोऽपि लेखनं करोति। चितरंजन संभवतः चितरंजन हम आपको यहां से रिमूव कर रहे हैं। सभी छात्रों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान पूर्वक सुने और इस तरह से आप सभी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है। जी मैडम कंटिन्यू उनको रिमूव कर दी। तो यद इहास्ति तदन्यत्र जो महाभारत में है वही अन्यत्र भी हमें दिखता है और जो बातें जो तथ्य जो विषय यहाँ वर्णित नहीं है न तत् क्वचित ऐसा कहकर महाभारत के विराटता और उसके विषय विस्तार को यहाँ पर प्रमाणित करने का प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है। तो यह भी महाभारत के विषय में एक प्रसिद्ध उक्ति है जिसको यहाँ मैंने इंगित किया। इसके बाद हम 18 पुराणों की ओर बढ़ते हैं और 18 पुराणों के नाम हम सभी जानते हैं। एक श्लोक के द्वारा उसको हम समझ पाते हैं। मद्वयम् भर्द्वयम् चैव व्रत्रयम् वचतुष्टयम् अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मत्स्य मार्कंडे ये मद्वयम् हो गए, भविष्य और भागवत ये भद्वय, ब्रत्रयम् में ब्रह्म ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त पुराण, और वचतुष्टयम् में विष्णु वामन वराह और वायु ये वचतुष्टयम् चार व से हमारे पुराण आरंभ होते हैं। इसके बाद अनापलिंग यहाँ पर आप देखें तो अ से अग्नि, ना से नारद, प से पद्म, लिंग से लिंग, ग से गरुण और कु से कूर्म और स्क से कंद पुराण। यह नाम यहाँ पर संक्षिप्त में एक एक अक्षर दे करके इसको यहाँ पर इंगित किया गया है। और इन पुराणों के विषय में 18 पुराणों के बाद 18 उप पुराण भी हैं। और इन पुराणों के विषय में जो कहा गया है वो दो प्रसिद्ध उक्तियां इनके विषय में हम यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रिंगये, यानी इतिहास और पुराण, इतिहास से हमारा अभिप्राय है महाभारत और पुराण से हमारा अभिप्राय है ये 18 पुराण। तो ये जो इतिहास और पुराण यह जो दोनों ग्रंथ हैं ये वेदार्थम उपब्रिंगये, ये वेद के अर्थ को उपब्रिंगित करते हैं यानी उसके अर्थ को और विस्तार देते हैं और स्पष्ट करते हैं। इस दृष्टि से इन इतिहास और पुराण ग्रंथों का अत्यधिक महत्व माना गया है। और एक और स्थान पर जो छांदोग्य उपनिषद है वहां पर तो पुराण को और इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। इस उक्ति से हम सभी लगभग परिचित होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, यह छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति है। तो यहाँ पर इस इतिहास और पुराण के विषय में प्रसिद्ध उक्ति के रूप में यहाँ मैंने इंगित की। अब अगर हम संस्कृत साहित्य के अग्रिम कड़ी की ओर आगे बढ़े तो हमें साहित्य का विस्तार अनेक रूपों में मिलता है। क्योंकि हमें साहित्य से संबंधित प्रसिद्ध उक्तियों की चर्चा करनी है तो साहित्य किस साहित्य की हम बात कर रहे हैं और उस साहित्य के किस प्रकार के अलग अलग स्वरूप हैं उनको भी जानना हमारे लिए अपेक्षित है। तरी वैदिक साहित्य इतर संस्कृत साहित्य महाकाव्यानी ऐतिहासिक काव्यानी गीति काव्यानी बहवः काव्य प्रयुक्त अस्ति। तरी महाकाव्यांतर्गते प्रसिद्ध जो महाकाव्य हमारे यहाँ है उनकी हम यहाँ पर नामोल्लेख मैंने किया है। रघुवंशम कुमार संभवम हम सभी परिचित हैं, ये कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इसके बाद किरातार्जुनीयम जो भारवी का है, शिशुपाल वधम,
माघ की एकमात्र रचना है, जिसके कारण माघ को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। नैषधीय चरितम जो श्री हर्ष की रचना है, इसी प्रकार बुद्ध चरितम और सौंदरानंदम जो अश्वघोष की रचना है। भट्टी काव्यम जो कि रामायण वधम नाम से भी जाना जाता है और ये भट्टी की रचना है। जानकी हरणम कुमारदास, हर विजयम रत्नाकर, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, दशावतार चरितम, अवदान कल्पलता इत्यादि बहुत सारे महाकाव्य हमारे संस्कृत साहित्य में रचित हुए हैं और आज भी यह परंपरा निरंतर चलती आ रही है और वर्तमान समय में भी अनेक विद्वान डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री से लेकर के देवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी तक सभी महाकाव्य के लेखन में प्रवृत्त हुए हैं और बहुत सारे महाकाव्य आज भी किसी न किसी रूप में गांधी चरितम के रूप में, इंदिरा गांधी चरितम के रूप में, अनेक रूपों में लिखे जा रहे हैं। ऐतिहासिक काव्यों की यदि हम बात करें और महाकाव्य के बारे में एक बात और कहूंगी कि महाकाव्य के लक्षण यहाँ हमें जानने आवश्यक है कि महाकाव्य के क्या लक्षण होते हैं, तब इनमें से हम किन्हें महाकाव्य कह रहे हैं और उसका क्या कारण है। तो महाकाव्य में जो है बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिनकी चर्चा यहाँ करने पर विषय विस्तार हो जाएगा। तो हमें यह जानना अपेक्षित है कि हम किस साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं और उससे संबंधित जो उक्ति है उसको हम तभी समझ पाएंगे जब हमें इस साहित्य के स्वरूप का विशेष रूप से ज्ञान होगा। तो समीक्षा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम किस साहित्य की समीक्षा कर रहे हैं, उस साहित्य का अवबोधन कर सकते। ऐतिहासिक काव्य की बात करें तो ऐतिहासिक काव्य ऐसे काव्य हैं जो किसी विशेष कालखंड में किसी विशेष समय के इतिहास को मुखरित करते हैं और इस तरह के ऐतिहासिक काव्यों में नव सहसांख चरितम, पद्मगुप्त परिमल की रचना, विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ की रचना, राज तरंगिणी कल्हड़ की रचना, सोम पाल विलास जल्हन और इत्यादि बहुत सारे ऐतिहासिक काव्य हमारे यहाँ लिखे गए हैं। इसके बाद गीति काव्य की एक बहुत सुंदर परंपरा संस्कृत साहित्य में प्राप्त होती है जिसमें ऋतु संहार, मेघदूत, कालकृत गाथा, सप्तशती इत्यादि बहुत सारे गीति काव्य लिखे गए हैं। लेकिन गीति काव्य की परंपरा का जो आधार स्तंभ माना जाता है वो कालिदास का मेघदूत नामक ग्रंथ माना जाता है और जो कि दूत परंपरा के काव्यों का भी रचना का आरंभ माना गया है। और इसके साथ साथ स्तोत्र साहित्य और सुभाषित संग्रह आदि को भी हम इसी श्रेणी में ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि वो भी प्रायः गेय होते हैं। अब इसके बाद जो साहित्य आता है वह है गद्य काव्य जिसमें हम कथा और आख्यायिका दो भेद करते हैं और दश कुमार चरितम, हर्ष चरितम, कादंबरी, शिवराज विजय इत्यादि प्रसिद्ध गद्य काव्य हमारे संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही चंपू काव्य, लोक कथा काव्य, नीति कथा काव्य, रूपक साहित्य यह सभी संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। समय की अल्पता के कारण मैं इसका एक एक करके विवेचन नहीं कर रही हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। रूपक साहित्य की यदि बात करें तो रूपकों का अध्ययन करना विशेष अपेक्षित है क्योंकि रूपक के 10 भेद माने गए हैं। नाटकम, सप्रकरणम, भाड़ह, प्रहसनम, दिमह, व्याया योग, समवकार, वीथ्यम, केहा, मृगा इति। यह 10 रूपक में प्राप्त होता है जहाँ नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, दिम, व्यायोग, समवकार, वीथि, एक और इहा मृग, इन 10 रूपकों की चर्चा हमें प्राप्त होती है। प्रत्येक का अपना विशिष्ट लक्षण है लेकिन इन 10 रूपों को में भी जो सबसे प्रसिद्ध रूपक हुआ जिसपे सर्वाधिक रचनाएं लिखी गई वह रूपक था नाटक जिसका विभाजन अंकों में होता है, एक प्रमुख रस होता है और संवाद के माध्यम से विषय का कहानी का परिवर्तन होता है। तो नाटककारों में प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भास को हम जानते हैं जिनके 13 नाटक हैं, कालिदास के 3 नाटक हैं जिनके बारे में हम आगे उक्ति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की प्रियदर्शिका नाटिका है, रत्नावली भी नाटिका है, नागानंद भी नाटक है और यह तीनों हर्षवर्धन का है। इसी प्रकार वेणी संहार भट्ट नारायण का और यह परंपरा आगे बढ़ते हुए हनुमान नाटक तक, राजशेखर तक बढ़ती है और फिर आगे नवीन श्रेणी में भी बहुत सारे नाटक रचे गए हैं, रूपक रचे गए हैं। तो रूपकों में केवल नाटक ही नहीं बल्कि भाण, व्यायोग, प्रहसन इत्यादि पर भी अनेक रचनाएं हुई हैं। यद्यपि इनकी संख्या कम है लेकिन फिर भी इन रचनाओं का अध्ययन भी संस्कृत साहित्य की दृष्टि से अपेक्षित है।
इसके साथ साथ व्याकरण शास्त्रीय साहित्य, काव्य शास्त्रीय साहित्य, कोश ग्रंथ और इसके साथ साथ अन्य प्रकीर्ण साहित्य भी, और आधुनिक समय में गजल, गीतिकाएं, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास इत्यादि बहुत से नूतन विधाओं में भी साहित्य की निरंतर रचनाएं हो रही हैं, जो संस्कृत साहित्य के विस्तार को और अधिक विस्तारित कर रही हैं। अब हम समीक्षण विधि की ओर आते हैं, क्योंकि हमें समीक्षण विधि पर चर्चा करनी है तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि समीक्षा कैसे कहते हैं, समीक्षा का अभिप्राय क्या है और समीक्षण विधि में हमें किस प्रकार से समीक्षा करनी होती है, वह चरणबद्ध तरीका क्या है। तो समीक्षण विधि के बारे में यदि हम चर्चा करें तो समीक्षण, सम्यक ईक्षणम अर्थात अच्छी प्रकार से देखना या जांच करना समीक्षण कहलाता है। कश्चित वस्तु रचना विषयस्य संबंधे वा सम्यक ज्ञान प्राप्ति ही समीक्षा शब्दस्य अर्थः अस्ति। प्रत्येक तत्वस्य विवेचनम् इति अभिप्रायः। समीक्षा में हमें प्रत्येक तथ्य का, प्रत्येक तत्व का विवेचन करना होता है। जिस प्रसिद्ध उक्ति की, जिस वाक्य की, विषय की हमें समीक्षा करनी है, उस विषय से संबंधित प्रत्येक तत्व का हमें समीक्षण करना आवश्यक है। उसका ज्ञान होना और उसका अवलोकन करना हमारे लिए अपेक्षित होता है। तो समीक्षा विधि की पहली जो पृष्ठभूमि है वह यह है कि हमें भली प्रकार से जांच करना है, भली प्रकार से देखना है, कोई भी बिंदु छोड़ना नहीं। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो जब साहित्य के संबंध में उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों, गुण दोष आदि विभिन्न तत्वों और विभिन्न पक्षों के संबंध में सम्यक विवेचन किया जाता है तो उसे ही हम साहित्यिक समीक्षा कहते हैं। साहित्य के विविध तत्वों और रूपों का स्वयं दर्शन करके दूसरों के लिए उसे दृष्टव्य बनाना ही समीक्षक का प्रधान कार्य माना जाता है। भारत में ऐसा माना गया है, बहुत सारे विद्वान ऐसा स्वीकार करते हैं कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक काव्य शास्त्र ने उसे व्यवहारिक रूप दिया। तो समीक्षा का जो प्रचलन है वो हमारे भारतीय इतिहास का, संस्कृत के इतिहास का ही परंपरा रहती है और साहित्य की समीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उससे ही साहित्य के गुण दोषों की विवेचना की जा सकती है। अब समीक्षण विधि की, समीक्षण की प्रयोग विधि क्या हो इस पर भी हम विचार करते हैं। तो यह जो समीक्षा की प्रयोग विधि है इसमें अध्येता को भाषाई तत्वों का सम्यक ज्ञान होना भी अपेक्षित है। अस्मिन् विधि प्रयोगार्थे भाषागत तत्वानां सम्यक ज्ञानम् अपेक्षितम् अस्ति। यदि हम किसी ग्रंथ विशेष की समीक्षा लिख रहे हैं तो हमें उस ग्रंथ विशेष में जो भाषाई तत्व है, क्या गुण है, क्या अलंकारों का प्रयोग है, किस रीति का प्रयोग है, इन सभी भाषाई तत्वों का भी ज्ञान होना अपेक्षित होता है। यह प्रथम आवश्यक अनिवार्य तत्व है समीक्षा करने से पूर्व। इसके बाद अस्मिन् विधे काव्यगत गुण दोषाणां विस्तृत विवेचनम् कृत्वा समीक्षा लेखनम् भवति। किसी भी वाक्य की या ग्रंथ की समीक्षा जब हम लिखेंगे तो समीक्षा करने में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसके गुण और दोषों दोनों की समीक्षा करें। केवल उसकी प्रशंसा ही नहीं लिखते जाना है और केवल दोषान्वेषण ही नहीं करना है, बल्कि हमें समीक्षा का स्पष्ट अर्थ होता है कि हमें उसके गुण और दोषों दोनों का ही विस्तृत विवेचन करना अपेक्षित होता है, तभी हम उसकी समीक्षा लिख सकते हैं। अब समीक्षण की प्रयोग विधि में जो शोध अध्येता है उसको स्वयं गुण दोषों की समीक्षा करनी होती है और अध्यापक या जो मार्गदर्शक है या जो निर्देशक है शोध का, वह केवल संदर्भ ग्रंथों की जानकारी देता है। और इसमें अस्मिन् विधे छात्राः सक्रिय भूमिकां निर्वहन्ति, और इसमें छात्र जो है वह सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं, यानी जो समीक्षा लिख रहा है
सबसे पहले व्याख्या विधि क्या है उसको भी समझने की अपेक्षा है। तो व्याख्या विधि वह है जिसमें हम किसी भी पंक्ति का, किसी भी ग्रंथ का व्याख्या करते हैं, उसके पद विन्यास के माध्यम से उसका अर्थ विवेचन करते हैं और फिर उसके बाद उसकी हम समीक्षा गुणदोष के माध्यम से करते हैं। सारांशतया कश्चित् काव्यस्य स्वरूपां वेषणेन सह तस्य भाषा शैली छंद अलंकार कथादीनाम अन्य काव्यस्य रचना कृत्याम निरूपिता भाषागत वैशिष्ट्येन सह तुलनात्मकम अनुशीलनम एव समीक्षणम इति कथ्यते। यानी किसी काव्य के स्वरूप के साथ साथ भाषा शैली छंद अलंकार कथा आदि को दूसरे कवियों रचनाकारों की कृतियों में निरूपित भाषागत विशेषताओं से तुलना करके समक्षण प्रस्तुत किया जाता है और यही समीक्षण विधि है। तो पहले तो हमें ग्रंथ के भाषा शैली छंद अलंकार कथा विवेचना रीति इत्यादि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर हम उसको तद काव्य में अनुवर्तित करके देखते हैं, फिर हम अन्य कवियों या रचनाकारों के काव्यों में भी उसकी तुलना करते हैं और तब हम उसकी समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। यह भी समीक्षण विधि का एक स्वरूप है। अब साहित्य प्रसिद्ध उक्तयः, यानी साहित्य में कौन कौन सी प्रसिद्ध उक्तियां हम प्रायः देखते हैं। उपमा कालिदासस्य जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, इसके साथ साथ दंडिनः पद लालित्यम भारवे अर्थ गौरवम, और भारवी के बारे में एक और उक्ति मिलती है नारिकेल फल सम्मितम वचम वचो भारवे है। माघ के विषय में माघे संति त्रयो गुण मेघे माघे गतम वयः और नवसर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। फिर काव्येषु नाटकम रम्यम कारुण्यम भवतु भवभूति रेव तनुते इत्यादि अनेक प्रसिद्ध उक्तियां हमारे यहाँ साहित्य में प्रचलित हैं, तो मैं उनमें से कुछ की विवेचना यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर्वप्रथम उपमा कालिदासस्य उक्ति नाम समीक्षण विधि। तो यह जो एक पद है उपमा कालिदासस्य, लेकिन यह जो पूर्ण श्लोक है आप सभी शोधार्थी हैं, आप सभी जानते होंगे, आपने अध्ययन किया होगा। उपमा कालिदासस्य भारवे रर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणः। यह एक श्लोक में चार प्रसिद्ध उक्तियां यहाँ पर उक्त की गई हैं, बताई गई हैं, जिसमें पहली पंक्ति है, वस्तुतः ये माघ के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त श्लोक है, जहाँ पर कहते हैं कि कालिदास की उपमा यानी कालिदास के काव्यों में जो उपमा का प्रयोग है वह उनकी अपनी विशिष्ट विशेषता है और भारती के ग्रंथ में अर्थ गौरव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है जो उनकी अपनी प्रधान विशेषता है। दंडी के ग्रंथों में पदों का लालित्यमय प्रयोग विशेष दर्शनीय है, लेकिन माघ की एकमात्र रचना शिशुपाल वधम है, किंतु उसमें यह तीनों गुण पर्याप्त रूप से या बहुत ही उन्नत रूप में विद्यमान है। तो यह एक श्लोक है, लेकिन इसमें चार अलग अलग प्रसिद्ध उक्तियां हम देखने को मिलते हैं। जब हम कालिदास के वर्ण विषय की बात करते हैं तो हम कहते हैं उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास की समग्र विशेषता, उसकी उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता उपमा है। तो अब हम उपमा कालिदास के बारे में इस प्रसिद्ध उक्ति की यदि समीक्षा करना चाहें तो हमारे समक्ष कई जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी, हम किस प्रकार से उसकी समीक्षा करेंगे। तो यहाँ कुछ एक सरल उदाहरण के माध्यम से मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगी। तो उपमा कालिदासस्य यदि यह प्रसिद्ध उक्ति है तो इसकी समीक्षा करने के लिए हमारे मन में प्रथम जिज्ञासा होगी कि कालिदासस्य उपमा कहने का अभिप्राय क्या है। तो कालिदास की उपमा यह जो शब्द है इसका अभिप्राय यह है कि कालिदास की रचनाओं में प्रयुक्त उपमा। तो पहली जिज्ञासा होती है कि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, ग्रंथों को उड़ेलेंगे और हमें समाधान मिलेगा कि कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की। तो ये जो कुल 7 रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो 2 महाकाव्य हैं रघुवंशम कुमार संभवम, 3 नाटक उन्होंने रचित किए मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, और 2 गीतिकाव्य उनके द्वारा रचे गए ऋतु संहार और मेघगीतम।
तो प्रथम जिज्ञासा का समाधान हो गया, कोई भी पंक्ति, यहाँ तो उपमा कालिदास से में कालिदास इतने प्रसिद्ध हैं कि सभी उनकी सात रचनाओं के बारे में प्रायः जानते हैं संस्कृत के अध्येता और विद्वान। लेकिन अगर अन्य किसी भी उक्ति की हम बात करें तो पैमाना वही रहेगा, प्रक्रिया वही रहेगी कि सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि हम किस विषय पर समीक्षा करने जा रहे हैं। तो यहाँ जिज्ञासा हुई कि कालिदास की रचनाएं कितनी हैं और हमने अध्ययन के द्वारा एक उसकी समीक्षा प्रस्तुत की और एक समाधान निकला पहली पंक्ति का कि भाई कालिदास ने सात ग्रंथों की रचना की। इसके बाद दूसरी जिज्ञासा इस प्रसिद्ध उक्ति में प्राप्त होती है कि उपमा का क्या अर्थ, उपमा क्या किसी का नाम है या उपमा कोई काव्य गुण है या उपमा क्या है। तो उस उपमा शब्द का हम जब अर्थ करने जाएंगे तो संस्कृत साहित्य के अध्येता जानते हैं कि उपमा एक अलंकार है, संदर्भ में बहुत सारे उपमा के लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सबसे सामान्य और सरल लक्षण हमें उपलब्ध होता है वह है काव्य प्रकाश ग्रंथ में जहाँ कहते हैं साधर्म्यम उपमा भेदे, उपमान और उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म का जो वर्णन करता है वह उपमा कहलाता है। और फिर वहाँ आचार्य मम्मट ने उसके पूर्णोपमा और उपलुप्तोपमा इत्यादि भेद बताए। काव्य प्रकाश में 61 अर्थालंकारों का वर्णन किया गया है जिसमें उपमा प्रथम है। आप सभी ने काव्य प्रकाश अपने MA के कोर्स में संभवतः पढ़ा होगा या फिर नेट इत्यादि की परीक्षाओं में भी अलंकारों का वर्णन आता है तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जिज्ञासा हमारी शांत हो गई कि उपमा जो शब्द है उसका अर्थ है एक अलंकार जो कि अर्थालंकार है और उस उपमा अलंकार का प्रयोग कहाँ करते हैं, साधर्म को बतलाने के लिए हम उस उपमा अलंकार का प्रयोग। तो अब तीसरी जिज्ञासा मन में उपलक्षित होती है कि कालिदास का उपमा प्रयोग किस प्रकार का है, क्योंकि हमें उपमा कालिदासस्य इस प्रसिद्ध उक्ति की समीक्षा करनी है तो हमें कालिदास के ग्रंथों में उपमा का प्रयोग कैसा है, यह तीसरी जिज्ञासा हमारे मन में परिलक्षित होती है। और उसके समाधान के लिए हमें कालिदास के सातों ग्रंथों का अवलोकन करना या उसके जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनका अवलोकन करना अपेक्षित है। तो कालिदास कृतिषु सभी कृतियों में, कालिदास की सभी कृतियों में सर्वत्र उपमा प्रयोग स्थलानि उपलब्धाः सन्ति, सर्वत्र हमको उपमा का प्रयोग दिखता है। लेकिन रघुवंश में सबसे अधिक हमें, रघुवंश नामक जो महाकाव्य है उसमें सबसे अधिक हमें उपमा का प्रयोग प्राप्त होता है। यह भी जब हम अध्ययन करते हैं समीक्षा करने के क्रम में, पहले क्योंकि कहा कि व्याख्या विधि होगी तो हम पहले सभी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे समीक्षण करने के लिए, और जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि रघुवंश में सबसे अधिक हमको उपमा का प्रयोग दृष्टव्य होता है। फिर हम अन्य ग्रंथों का भी अवलोकन करेंगे तो हम एक व्याख्या के आधार पर यह जान पाएंगे कि कालिदास ने उपमा का 4 प्रकार का प्रयोग किया है, यानी उन्होंने उपमा का जो प्रयोग किया है उसको हम 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। शास्त्रीय उपमा, मूर्तस्य मूर्त तत्वेन साम्यम, प्रकृति संबंधा और विविध विषय संबंधा। ये 4 प्रकार की उपमा कैसे है, यहाँ उपमेन और उपमान में सादृश्य तो दिखा रहे हैं लेकिन ये सादृश्य कभी शास्त्रीय उपमा के आधार पर। तो शास्त्रीय उपमा में जैसे हम रघुवंशम का एक पंक्ति ले सकते हैं जहाँ कहते हैं विद्याभ्यास विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुम् अर्हसि, यानी जैसा यथा जैसे अभ्यास से विद्या प्राप्त होती है उसी तरह से नंदिनी की सेवा से नंदिनी प्रसिद्ध प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर जब नंदिनी की सेवा करते हैं राजा दिलीप, उस समय यह एक उपमा का प्रयोग वहां पे दिखाई देता है। उसी तरह से मूर्तस्य अमूर्त तत्वेन, यानी मूर्त की अमूर्त तत्व के साथ साम्य बताने के भी अनेक उदाहरण हमको मिलते हैं, जिसमें हम रघुवंशम का एक पंक्ति है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम अवतार इवांगवान। तो यहाँ पर मूर्त की अमूर्त से साम्य प्रस्तुत करने का प्रयास है। और प्रकृति संबद्धा उपमा, तो काव्य में कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया है वैसा चित्रण तो अन्यत्र कहीं दिखता ही नहीं है,
उस दृष्टि से जब आप कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने प्रकृति से साम्य करते हुए बहुत सारे उपमान प्रयोग में लाए हैं। जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम में देखते हैं, अनैक्षा जब शकुंतला के स्वरूप की प्रशंसा होती है तो वहाँ उन्होंने अनेक प्रकृति के उद्धरण वहाँ पर उपमान के रूप में प्रयोग किए हैं। जैसे अनाग्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुह और सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापिरम्यम इत्यादि अनेक प्रयोग ऐसे मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने प्रकृति से संबंध द्योतित करने वाले उपमा का प्रयोग किया है। और इसी के साथ साथ अन्य विषयों से संबंधित भी विविध विषयों से संबंधित उपमाओं का भी कालिदास ने प्रयोग किया है। तो जब हम कालिदास के उपमा के प्रयोग को देखना आरंभ करेंगे तो वहां हम उपमा के अनेक प्रयोगों का अनुशीलन करेंगे, अध्ययन करेंगे और हम इसकी समीक्षा इस प्रकार से करेंगे कि कालिदास ने अपनी उपमाओं का इन इन तरह से प्रयोग किया है और यही इनकी विलक्षणता है। अब केवल एक कवि का अध्ययन करके हम उनके उपमा को श्रेष्ठ कहें यह भी का प्रयोग इन रूपों में किस तरह से कर दिया, लेकिन अन्य कवियों ने उपमा के प्रयोग किस प्रकार से किए हैं और यदि कहीं विषय का साम्य मिले तो वहां हम देखेंगे कि कालिदास की उपमा में क्या वैशिष्ट्य है और अन्य कवियों के द्वारा प्रयुक्त उपमा के प्रयोग में क्या वैशिष्ट्य है। तो कालिदास की सभी रचनाओं में उपमा के प्रयोग का विस्तृत अध्ययन करने के साथ साथ अन्य रचनाकारों की कृतियों का भी तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस उक्ति की समीक्षा प्रस्तुत की जा सकती है। यही पद्धति जब हम इस श्लोक के द्वितीय चरण की ओर जाएं, जहां कहते हैं भारवे अर्थ गौरवम, यह भी एक प्रसिद्ध उक्ति है जो उसी श्लोक का अंश है और यहाँ पर भारवी के अर्थ गौरव की बात की जा रही है। और भारवी के बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति जैसे मैंने पहले भी कहा था वो है नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे। तो यहाँ पर भी अगर हम प्रसिद्ध उक्ति को देखें भारवे अर्थ गौरवम, तो यहाँ पहला प्रश्न, पहली जिज्ञासा मन में आती है कि भारवी की कितनी रचनाएं हैं, किस रचना के आधार पर हम उनके अर्थ गौरव की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रसिद्ध उक्ति की समीक्षा विधि में जो प्रथम जिज्ञासा होगी कि भारवे है कति रचना अस्ति, कितनी रचनाएं हैं भारवी की, तो समाधान आता है कि भारवी कृत एक ही ग्रंथ किरातार्जुनीयम हमें उपलब्ध होता है। तब दूसरी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह अर्थ गौरवम जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं भारती के ग्रंथ में, यह अर्थ गौरव क्या है, तो उसका भी जब हम अध्ययन करेंगे तो यह अर्थ गौरव जो शब्द है वह एक काव्य गुण है। हमको काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का भी अध्ययन अपेक्षित है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि समीक्षा करने से पहले उस साहित्य के जो गुण है, उस साहित्य का जो वैशिष्ट्य है, उसका ज्ञान होना अपेक्षित है। इसलिए हम अर्थ गौरव को काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में जब टटोलेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि यह अर्थ गौरव एक काव्य गुण है जिसमें अल्प शब्दों में अधिक बात करने की, व्यापक अर्थ को प्रकाशित करने की क्षमता होती है। और भारवी ने जो अपने ग्रंथ में अनेक सूक्तियों का प्रयोग किया वह इस गुण से सराबोर है और इस गुण के कारण ही भारवी की सूक्तियों में अल्प में अधिक बात कहने की क्षमता विद्यमान है और इसी कारण से यह उक्ति प्रसिद्ध है कि भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। तो तृतीय जिज्ञासा होती है कि भारवी ने इस अर्थ गौरव नामक काव्य गुण का ग्रंथ में किस प्रकार प्रयोग किया। तो उसके लिए हमें किरातार्जुनीयम ग्रंथ का अध्ययन करना होगा और उस अध्ययन के आधार पर हम अनेक सूक्तियों को वहां देख पाएंगे, जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः अहो दुदंता बलवत विरोधिता इत्यादि अनेक पंक्तियां वहां पर हमको उपलब्ध होती हैं। समय अल्प है इसलिए मैं एक एक पंक्ति को नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हमें भारवी के अर्थ गौरव को यदि समझना है, और ये बहुत प्रसिद्ध है कि उन्होंने न नामक एक अक्षर से एक पूरा का पूरा श्लोक लिख दिया था और कई उनके ऐसे श्लोक हैं जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बिल्कुल एक जैसा है लेकिन अर्थ भेद वहां पर उपलब्ध होता है। तो भारवी ने जिस तरह से शब्दों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया है वही उनकी विशेषता रही है
इसी कारण वह एक ग्रंथ से ही इतनी विराट कीर्ति को प्राप्त कर पाए, यह उनके अर्थ गौरव नामक गुण के प्रयोग का ही चमत्कार। तो इस तरह से बहुत सारे हम प्रयोग वहां पर अर्थ गौरव के भारवी के काव्य में देखते हैं और इस प्रकार से हम उसका अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं। तो समीक्षा विधि में भारवी अर्थ गौरवम की यदि हम समीक्षा कर रहे हैं तो समीक्षा विधि में पहले हमें भारवी की रचना को समझना होगा, फिर उस रचना के आधार पर हमें अर्थ गौरव यानी काव्य गुण को समझना होगा और उनके प्रयोग के आधार पर उसका मूल्यांकन करना होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी और फिर हम उसकी समीक्षा करेंगे कि वहां पर भारवी ने अर्थ गौरव नामक काव्य गुण का कितना सुंदर प्रयोग किया और यदि आपकी दृष्टि में कहीं कुछ अवशिष्ट रह गया हो तो उसको भी हम संकेतित कर सकते हैं। यद्यपि कालिदास, भारवी, भास ये सब इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं कि उनके में कुछ हम अवगुण निकाल पाए ऐसा सामर्थ्य हमारा नहीं है, फिर भी एक समीक्षक की दृष्टि से यदि आपके विचार में कुछ ऐसा लगता है तो आप उसको भी इस समीक्षा में उद्घाटित कर सकते हैं। इसी श्लोक का जो तृतीय पद्य है दंडिनः पद लालित्यम, यहाँ पर भी हम दंडिनः इस शब्द से दंडी की रचनाओं को लेंगे और पद लालित्यम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो दंडी के विषय में एक और प्रसिद्ध उक्ति है, कविर दंडी कविर दंडी कविर दंडी न संशय और त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता। तो दंडी के कौन से तीन प्रबंध हैं, कौन सी तीन रचनाएं हैं जो तीनों लोकों में विश्रुत है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। और कविर दंडी ऐसा कहकर दंडी में जो कवित्व की कवि की जो परिकल्पना की गई है कि दंडी जैसा कवि नहीं हुआ, तो उस बात को भी हमको विचार करने की अपेक्षा। तो पहली जिज्ञासा हुई कि दंडी की कृतियां कौन कौन सी हैं और हमने जब अध्ययन किया तो हमें समाधान मिला कि दशकुमार चरितम काव्यादर्श इन दो को तो दंडी की संदेह उनकी कृति माना जाता है और अवंती सुंदरी कथा में कुछ विद्वानों का मत है क्योंकि इसमें कुछ शैली में भिन्नता है इसलिए यह दंडी की कृति नहीं है, ऐसा भी कुछ विद्वान मानते हैं। इसके अलावा भी तीन इनकी और कृतियां हैं लेकिन वह इतनी अधिक प्रचलित नहीं हुई, तो साहित्यिक मीमांसा के क्षेत्र में दशकुमार चरित और काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा को ही प्रायः लोग स्वीकार करते हैं। जो पद लालित्य नामक जो द्वितीय पद है इस प्रसिद्ध उक्ति में, इसके विषय में चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि हम जब जिज्ञासा करते हैं कि पद लालित्यम क्या है तो सुक्तिनंतम पदम ये हम जानते हैं, सुबंत और तिनंत ये दो प्रकार के पद होते हैं, ये हम व्याकरण शास्त्र में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इन पदों में जो लालित्य है जो माधुर्य है वही पद लालित्य से यहाँ अभिप्रेत है। यानी यत्र पदेषु वाक्येषु शब्द संघटनायाम माधुर्यम श्रुति सुख दत्त्वम वा समुपलभ्यते तत्र पद लालित्यम इति मन्यते। यानी जहां पर पद में या वाक्य में शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया जाए कि वह श्रुति में सुख लाए, यानी बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना हो जिनको उच्चारण करने में कठिनाई हो, तो उसको हम जहां माधुर्य की प्रस्तुति हो ऐसे पदों के प्रयोग को ही हम पद लालित्य इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। अब तृतीय जिज्ञासा यहाँ पर यह है कि पद्य लालित्य का प्रयोग दंडी ने किस प्रकार से किया है। तो दंडिनः कृतौ शब्द योजन सौष्ठवम अनुप्रास माधुर्यम यमक योजनम वर्ण वैविध्यम ओष्ठ्य वर्ण परिहारांचित रम्यम वर्णनम उक्ति प्रत्युक्ति प्रशस्तम पदे पदे पद लालित्यम ग्रंथावलोकन माध्यमेन समीक्षणताम। यानी दंडी के द्वारा कृत जो शब्दों की योजना है, जो शब्द सौष्ठव है, अनुप्रास आदि का प्रयोग है, जब हम अनुप्रास इत्यादि का प्रयोग देखते हैं तो एक ही वर्ण से कई शब्द आते हैं तो वो सुनने में भी सुखकर लगते हैं, लयात्मक हो जाते हैं और उन्हें एक आनंद की अनुभूति, एक सुख की अनुभूति होती है, माधुर्य होता है। कई बार हम यमक के प्रयोजन में भी यह देखते हैं। और ओष्ठ वर्ण का परिहार यानी ओष्ठ वर्णों का प्रयोग वहां पर ना करते हुए रम्य वर्णन करना और उक्ति के बाद प्रत्युक्ति इत्यादि के द्वारा दंडी ने अपने जो ग्रंथ है दशकुमार चरितम उसमें पद लालित्य का बहुत सुंदर प्रयोग किया है
या जब हम उस ग्रंथ का अवलोकन करेंगे, उसका अर्थ को देखेंगे और फिर उसके काव्य शैली के आधार पर समीक्षा करेंगे, तो हम दंडेनः पदलालित्यम इस प्रसिद्ध उक्ति की समीक्षा करने में सफल हो पाएंगे। अब इसी का जो चतुर्थ भाग है, माघे संति त्रयो गुणः, क्योंकि माघ के लिए ये पूर्ण श्लोक लिखा गया था, तो माघ के बारे में यदि बात करें कि इनमें तीनों गुण है, तो यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि माघ में ये तीनों गुण है, इसका मतलब ये नहीं कि माघ इन सबसे श्रेष्ठ है। माघ ने इन तीनों का प्रयोग किया है समन्वय करते हुए, अपने से पूर्व के विद्वानों के वैशिष्ट को उन्होंने समेकित करके अपने एकमात्र ग्रंथ में प्रयुक्त किया है। तो माघे संति त्रयो गुणः, जब हम इसकी समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले माघ में यह तीन गुण है। इसका अभिप्राय यह है कि माघ के रचना में यह तीन गुण है, तो माघ की कृति क्या है, यह पहली जिज्ञासा होगी पूर्व की भांति। तो उत्तर मिलेगा हमें अध्ययन के उपरांत कि शिशुपाल वधम उनकी एकमात्र रचना है। और किन तीन गुणों की बात हो रही है, तो यह हमें उस श्लोक के पूर्व जो चरण है उनसे लेना पड़ेगा कि उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन तीन गुणों की बात हो रही है। और फिर हम इसका समीक्षा करेंगे तो हम पाएंगे कि जो विद्वान है वह इन तीनों गुणों के समन्वय को महाकवि का माघ की रचना में स्वीकार करते हैं। विपश्चित भी महाकवे कालिदासस्य कृतिषु उपमानां प्राधान्यम् भार्वे कृतौ किरातार्जुनीये अर्थ गौरवस्य वैशिष्ट्यम् दंडिनः कृतौ दशकुमार चरिते पदलालित्यम् माघस्य च कृतौ शिशुपाल वधे त्रयाणाम अपि पूर्वोक्तानां गुणानां समन्वयं समीक्ष्य उद्घोष्यन्ते यत् उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे संति त्रयो गुणः। अब यहाँ पर यह भी अपेक्षित है कि हम माघ की उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य के उदाहरणों को भी देखें। तो जब हम शिशुपाल वधम का अवलोकन करेंगे तो हम एक यहाँ पर मैंने सिर्फ एक इंगित मात्र करने के लिए तीनों गुणों का, तीनों वैशिष्ट्यों का एक एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। समय अल्प पूरा है इसलिए मैं इसको सिर्फ पढ़ लूंगी। माघ के उपमा का जो वैशिष्ट्य है उसके लिए शिशुपाल वधम के 287 में था यिनो अर्थे प्रवर्तन्ते भावाः संचारिणो यथा रसस्यैकस्य भूयांसः तथा नेतुर्महीभृतः। यह श्लोक वहां पर आया है, कहते हैं कि जिस तरह से स्थाई भाव के का संचारी भाव के द्वारा जिस तरह से स्थाई भाव के वैशिष्ट्य का प्रवर्तन होता है, उसी प्रकार से राजा के जो मंत्रीगण है वह राजा का समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। यानी भाव के प्रवरण में स्थाई भाव के सहायक के रूप में जिस प्रकार से संचारी भाव कार्य करता है, उसी प्रकार से राजा का समर्थन या सहायक का जो भूमिका है वह उसके सहायक निर्वहन करते हैं। तो यहाँ पर एक उपमा का वैशिष्ट्य यहाँ प्रदर्शित है। माघ का अर्थ गौरव यदि देखें तो केवल एक पंक्ति यहाँ पर मैंने एक सूक्ति ली है, सदाभिमानैक धना ही मानिनः, यानी मानिनों का अभिमान ही एकमात्र धन होता है। तो अल्प में अधिक बात कहने की यहाँ क्षमता माघ के अर्थ गौरव में हम देख सकते हैं। और पद लालित्य का यह प्रसिद्ध उदाहरण आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांतलातमलोकयत्सुरभिं सुरभिं सुमनोभरः। यह माघ के पद लालित्य का एक उदाहरण है। यह केवल एक एक उदाहरण दिया है, जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको अनेकानेक उदाहरण इस प्रकार के मिलेंगे, इससे सुंदर उदाहरण मिलेंगे और आप उनका अपनी समीक्षा में लेखन में प्रयोग कर सकते हैं। नवसर्ग गते किराते नव, अच्छा यहाँ जो एक और उक्ति माघ के विषय में मिलती है उसकी भी चर्चा अपेक्षित है। नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न जायते, यह जो पंक्ति है यह अधिक प्रसिद्ध हो गई, जबकि जो पूर्ण श्लोक था उसमें बृहत त्रयी की चर्चा की गई थी। तो नवसर्गे किराते च नवसर्गे च नैषधे, यानी किरात में, नैषध में और माघ के शिशुपाल वधम में, इन तीनों को किरातार्जुनीयम, नैषधी चरितम और शिशुपाल वधम, ये बृहत त्रयी कहलाता है। इन तीनों ही ग्रंथों के नौवें सर्ग तक जाते जाते नया शब्द विद्यमान
प्राप्त नहीं होता, ऐसा यह जो महिमा मंडन किया गया था या बृहत त्रय यानी तीनों ग्रंथों का किया गया, लेकिन जो इसकी द्वितीय पंक्ति है वह अधिक प्रसिद्ध हो गई। और इसका उदाहरण भी हम देखते हैं कि जैसे एकादश सर्ग में सूर्य के वर्णन प्रसंग में वहां पर 43 से 67 में पद तक सूर्य का वर्णन माघ ने किया है, लेकिन किसी भी सूर्य के नाम को वहां उन्होंने दोहराया नहीं है। इसी तरह से माघ के विषय में एक और उक्ति मिलती है, मेघे माघे गतम वयः, यानी मेघदूत, मेघे से यहाँ अर्थ है मेघदूत और माघ से अर्थ है माघ के शिशुपाल वधम। तो कहते हैं मेघे माघे, यानी मेघ में मेघदूत के अध्ययन में और माघ के शिशुपाल वधन के अध्ययन में उसका संपूर्ण अनुशीलन करने में गतम वयः, संपूर्ण आयु लग जाती है, लेकिन फिर भी उसका जो समग्र अनुशीलन है, समग्र जो अध्ययन है वह पूर्ण नहीं प्रतीत होता। हर बार जितनी बार आप पढ़ते जाइए उतनी बार आपको कुछ नए उसमें समीक्षा के बिंदु, अध्ययन के बिंदु उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ मैंने इस के साथ ही अन्य प्रसिद्ध उक्तियां हैं, क्योंकि समय पूर्ण लगभग हो चुका है, तो अन्य प्रसिद्ध उक्तियां जो समीक्षा विधि के लिए यहाँ उपलब्ध है, जैसे काव्येषु नाटकम् रम्यम्, नाटकेषु शकुन्तला, फिर यह भी एक पूरा श्लोक है, काव्येषु नाटकम् रम्यम् तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो कि कालिदास की कृति है, लेकिन इसका जो पहला चरण है काव्येषु नाटकम् रम्यम्, वहां पर नाटक के विषय में यह प्रसिद्ध उक्ति है कि सभी प्रकार के काव्यों में नाटक नामक जो काव्य विधा है वह सर्वाधिक रमणीय प्रयुक्त होती है। तो वहां हमें नाटक के लक्षण को जानना होगा, जब हम इस उक्ति की, इस प्रसिद्ध उक्ति की समीक्षा करेंगे तो हमें नाटक के लक्षण को समझना होगा, काव्य के लक्षण को समझना होगा, और फिर नाटक क्यों रम्य है, उसकी रमणीयता किस प्रकार से, उसकी बिंदुओं पर हमको अध्ययन करके समीक्षा प्रस्तुत करनी होगी। और इसी तरह से शकुंतला को भी अगर हम सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो किस आधार पर उसकी सर्वश्रेष्ठता है उसका अवलोकन करके उसका हमको समीक्षण गुण दोष के अध्ययन और अनुशीलन के बाद, उसकी व्याख्या करने के बाद, तब हमको उसका समीक्षा प्रस्तुत करनी होगी। और इसी तरह से अन्य बहुत सारे यहाँ पर अन्य प्रसिद्ध उक्तियां हैं, और यह क्योंकि आप सभी शोधार्थी हैं इसलिए अब इस विधि के आधार पर जो मैंने विधि आपको समझाने का एक अल्प प्रयास किया है समीक्षण की, उस समीक्षण विधि के आधार पर अब आप शोधार्थियों के लिए यह प्रदत्त कार्य के रूप में है कि आप इन जो अन्य प्रसिद्ध उक्तियां हैं, नैषधम विद्वत् औषधम, कारुण्यम भवत् भूतिरेव तनुते, नैषधे पदलालित्यम, तो दंडी नैष जो है वह दंडी की श्रीहर्ष की रचना है नैषध, तो उसमें भी जो पदलालित्य है वह दंडी के समान ही है क्या, क्योंकि हम दंडी के भी पदलालित्य की चर्चा करते हैं, यहाँ नैषधे पदलालित्यम कहा है, तो उसमें क्या समानता और वैषम्य है उसको आप अन्वेषित करें और उसकी समीक्षा प्रस्तुत करें। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह भी एक प्रसिद्ध उक्ति है, जहाँ बाण के कहा गया है कि बाण ने सब कुछ ले लिया, कुछ भी उन्होंने अवशिष्ट नहीं किया, अपने ग्रंथ में उन्होंने सब कुछ समाहित कर लिया। तो इस प्रकार से, और गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति, यह भी एक प्रसिद्ध उक्ति है, जहां पर कहते हैं कि गद्य से ही कवि की संपूर्ण प्रतिभा का ज्ञान होता है, अवलोकन किया जा सकता है। तो यह जो अन्य प्रसिद्ध उक्तियां हैं इनकी समीक्षा अब किस प्रकार से की जाए, ये आपके लिए एक प्रदत्त कार्य के रूप में है। आशा है कि आप सभी को आज का यह व्याख्यान लाभप्रद सिद्ध हो, आप सभी को इससे लाभ हो और आपके ज्ञान का निश्चय ही विस्तार हुआ हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को शुभेच्छाओं के साथ धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम्। महोदयायै बहुशः धन्यवादः, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय निकाल करके हमारे शोधार्थियों को विशिष्ट व्याख्यान से आच्छादित किया है। तदर्थ हम प्राग विद्यावारिधि पाठ्यक्रम कार्यक्रम के पक्ष से आपके प्रति आत्मरण प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम की सह संयोजिका साधना जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अनम्यूट करके धन्यवाद प्रकट कर सकती हैं और हमारे शोधार्थियों को उपस्थिति भी ले सकती हैं।
यदि कुछ जिज्ञासा हो तो उसे भी यहाँ उठाया जा सकता है। सर्वेश कुछ कहना चाहते हैं? जी सर्वेश बोलिए। जी गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। बृहत्त्रयी जो होता है गुरुदेव जी, उसमें कौन कौन से आते हैं ग्रंथ? काव्य पंच महाकाव्य के बारे में तो सुना है, बृहत्त्रयी किसे कहते हैं तो मुझे नहीं मालूम। बृहत्त्रयी जो होता है ना, क्या होता है बृहत्त्रयी? जो महाकाव्य कहा जाता है, जो तीन महाकाव्य। जी मैं उत्तर दे दूं। हमारे साहित्य परंपरा में दो त्रयी जो है वो विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध हैं, बृहत्त्रयी और लघु त्रयी। जो लघु त्रयी है उसमें कालिदास के तीन ग्रंथ आते हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। ये कालिदास की तीनों रचनाएं हैं जिसको लघु त्रयी कहा जाता है, और इन तीनों की वैशिष्ट के कारण इनको लघु त्रयी में स्थान मिला है। और बृहत्त्रयी में मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में भी बताया कि किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषद चरितम, ये जो तीन ग्रंथ हैं ये बृहत्त्रयी में आते हैं। इनकी वैशिष्ट्य, इनके जो काव्य प्रतिभा का इसमें समग्र अवलोकन हमको देखने को मिलता है, इसके कारण इनको बृहत्त्रयी में कहा जाता है। बृहत्त्रयी क्यों कहा जाता है? क्या धीरज कुछ लिख रहे हैं? हाँ, बृहत्त्रयी का मतलब बृहत् मतलब जी कुछ कह रहे हैं सर। मैंने कहा बृहत्त्रयी में हेतु क्या है कहने का, माने अत्यंत जी हेतु में वैशिष्ट्य प्रतिपादित करना है कि समग्र काव्य शास्त्र में ये तीन बृहद रूप से अवलोकनार्थ शास्त्रीय मीमांसा की दृष्टि से इनका वैशिष्ट्य है, इसीलिए इनको एक वर्ग बना दिया, एक श्रेष्ठतम वर्ग बना दिया बृहत्त्रयी। और जो लघुत्रयी है वह कालिदास की तीनों रचनाओं का है, तो इस तरह से यहाँ पर ये एक इसको श्रेष्ठता और वैशिष्ट्य की दृष्टि से इसको देखा जाए, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। जी जी मैम धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीर सनातन जी, हाँ आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए सनातन जी, बोलिए। जी नमो नमः।